तो गांधी जयंती हमारा थी है। गांधी जयंती नहीं, गांधी जी का इस दिन देहांत हुआ था, मतलब डेथ हुआ था, डेथ एनिवर्सरी, पुण्यतिथि। तो 30 जनवरी 1948 को गांधी जी का डेथ हुआ था और 30 जनवरी 2019 को आज 2019 में बैठे, लेकिन हमारे फिल्म 30 जनवरी 2009 को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का मर्डर होता है। तो यस, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का मर्डर होता है और ये फिल्म यूथ सस्पेंस और थ्रिल से भरपूर फिल्म है। यूथ मतलब युवाओं की फिल्म, कॉलेज से रिलेटेड फिल्म है, सस्पेंस मतलब मर्डर मिस्ट्री से रिलेटेड फिल्म है और थ्रिल मतलब हमेशा लोग वो गानों में थ्रिल है, डायलॉग्स में थ्रिल है, एक्शंस में थ्रिल है, स्टोरी में थ्रिल है और बस ये थ्रिलिंग फिल्म। लास्ट सीन में जाके पता चलता है कि हु इज़ द एक्चुअल मर्डर। फर्स्ट सीन के बाद जो मर्डर पकड़ा जाता है, बट ही इज़ नॉट द मर्डर एज इन द केस ऑफ हमारे जो टेररिस्ट अटैक कसाब पकड़ा गया था, बट कसाब वाज नॉट द एक्चुअल मर्डर, वो कहीं और बैठा हुआ था। उसी तरह से हमारे इस फिल्म में 30 जनवरी में मर्डर करने के बाद आफ्ताब पकड़ा जाता है, बट आफ्ताब वाज नॉट द एक्चुअल मर्डर, एक्चुअल मर्डर कोई और होता है। उसके पीछे इंटरवल तक पुलिस छानबीन करती है और इंटरवल के बाद वो केस CID के हाथ में चल जाता है, CID छानबीन करती है। आर्टिस्ट कलाकार हैं इसमें मुख्य रूप से जो 5 कलाकार हैं जो युवाओं की बेस्ट फिल्म बताई मैंने, तो कलाकार हैं आदित्य ओम जी जो तेलुगु के बहुत बड़े स्टार हैं, उनको हम हिंदी में ब्रेक दे रहे हैं, प्रभात भूषण जी जिस फिल्म के निर्माता भी हैं और कलाकार भी हैं, ये पहले भी कई फिल्म एक फिल्म में काम कर चुके हैं, कई सीरियलों में, कई एड में काम कर चुके हैं और अब हमारे फिल्म के एज ए प्रोड्यूसर और एज एन एक्टर भी हैं, ये है यस प्रभात भूषण। उसके बाद एक हमारा कलाकार है आकाश दास नायक जो उड़ीसा के अभी MLA भी हैं, नवीन पटनायक गवर्नमेंट में मंत्री भी हैं और हमारे फिल्म में एक भूमिका बहुत अच्छी भूमिका निभा रहे हैं। 2 कलाकारों का नाम अभी हम आउट नहीं कर रहे हैं क्योंकि अभी हमारे साथ एक सुधीर संकल्प है जो गरीब बच्चा हमने दिखाया है। अंजन श्रीवास्तव कलाकार जो हैं उन्हीं का मर्डर होता है, वही CM बने हैं अंजन श्रीवास्तव जो CM बने उनका मर्डर होता है। गाने के बारे में हम तो 2 लाइन बोलेंगे, उसका नवाब जी को मैं ये कहने के लिए मौका दूंगा। आज से 20-22 साल पहले एक फिल्म आई थी कयामत से कयामत तक और जो आमिर खान जी की एंट्री हुई थी पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, उसी तरह से हमारी इस फिल्म की भी शुरुआत होती है। एक सेकंड बीच में ऐसे आज मुहूर्त है इसका और गाने भी रिकॉर्ड किए जा रहे हैं और इसमें आपका जबरदस्त किरदार भी लोगों को नजर आने वाला है, क्या कुछ कहेंगे, कितने एक्साइटेड हैं इस फिल्म को लेके, मुहूर्त को लेके, गाने को रिकॉर्डिंग को लेके और अपने किरदार को लेके? जी अंजन जी, देखिए पहले तो एक्साइटमेंट की जहाँ तक बात है वो 71वां साल में कितना एक्साइटमेंट होना चाहिए और 30-35 साल इंडस्ट्री में रहने के बाद किस तरह का एक्साइटमेंट होना चाहिए। तो माला चढ़ के भी आए आप, फिल्म मेकिंग देखा है, 200 फिल्में देखी है, कैसे बनती हैं। आई होप जिस तरह का प्रपोजल इन्होंने दिया है इस वेरी करंट टॉपिक होगा। अभी बहुत अंदर नहीं गए हम, राकेश रंजन जी से मुलाकात हुई, उनके प्रोड्यूसर साहब से मुलाकात हुई और जो कुछ मेरा एक्सपीरियंस था वो रीड करके हमने कहा कि दे आर सीरियस अबाउट फिल्म मेकिंग और जिस तरह की चीज़ वो करना चाहते हैं आई थिंक ही विल बी सक्सेसफुल। जिस तरह का सेटअप उन्होंने सोचा है उसको देख करके लगता है कि आज के ये जो क्या बोलते हैं इसको इनऑर्बिट PNR ये सबको इस तरह का जो मल्टीप्लेक्सेस सिनेमा हॉल के लिए दैट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग ऐसा लग रहा है मुझे। अब काम करेंगे, मेरा काम बाकी है अभी या बाकी किरदारों का काम बाकी है, उनका एग्जीक्यूशन बाकी है, तो आई होप एवरीथिंग विल बी फाइन बिकॉज मुहूर्त उदित नारायण को लेके कर रहे हैं जी, जी। ये एक अच्छी बात है, तो सारी चीज़ें जो दिखाई पड़ रही हैं वो क्लास की दिखाई पड़ रही हैं, इसलिए उम्मीद है कि ये अच्छी चीज़ बनाएंगे। आई एक्सपेक्ट ऑल द बेस्ट टू हिम, ऑल द बेस्ट करने के लिए आते हैं हम लोग इस वक्त, लेकिन इसमें थोड़ा सा घुसने की ज़रूरत है हमें। ये डिपेंड्स ऑन राकेश रंजन हाउ ही विल हेल्प मी टू एंटर इन टू द कैरेक्टर। बहुत ज्यादा नहीं मालूम, ये कह रहे हैं मेन रोल है चीफ मिनिस्टर का, पॉलिटिकल कैरेक्टर है जो जानकारी मिली है कि आपकी मर्डर हो जाती है इसमें,
क्यों होता है? हाँ, होने दीजिए। कितना इम्पैक्ट छोड़ता है वो इम्पोर्टेंट है पूरे सब्जेक्ट पर। इट ऑल डिपेंड्स ऑन। और सबसे बड़ी बात है ईश्वर बिद्री जी, 82 में मुलाकात हुई थी, बहुत बड़ी फिल्म थी गुलामी, जिसमें बहुत कुछ नाटक देखा उन्होंने जेपी दत्ता साहब का। एक दिन तो ऐसा है कि ईश्वर बिद्री अगर वो चुप चुप नहीं करते तो शायद मैं बौखला के निकल जाता था वहाँ से। तो ये फिर और भी संतोषी जी की यहाँ भी मुलाकात हुई इनसे, दो फिल्म बड़ी फिल्में करने का मौका मिला। तो इतने बड़े कैमरामैन को लिया है अगर, तो कुछ तो बड़ी बात बनाने वाले हैं। इसमें ज़्यादा नुक्ताचीनी करने की ज़रूरत नहीं है, रिजल्ट दिखाओ। बिल्कुल बिल्कुल। किरदार किस प्रकार का है? मुख्यमंत्री मेरे ख्याल से पहली बार मुख्यमंत्री नहीं, ज्यादा डिटेल में मैं अभी तक नहीं गया हूँ। एक आउटलाइन ऐसे लगा कि इट इंटरेस्ट इज इट्स अ गुड नेचर्ड ह्यूमन बीइंग, बट ही इज अ पॉलिटिशियन आल्सो, तभी तो मुख्यमंत्री बना है। तो इतना तक तो मालूम है मुझे, अब आगे डिटेल तो राकेश बताएंगे। ईश्वर जी बताएं आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? कितने सर, मैं क्या बताना चाहता हूँ, मैं करके दिखा दूंगा। दिस इज चैलेंज फॉर मी, द वे ही हैज नरेटेड द स्टोरी आई एम थ्रिल्ड। आई टोल्ड हिम आई विल डू द फिल्म, आई विल पुट माई ऑल एनर्जी एंड मेक इट अ वेरी वंडरफुल फिल्म कंपेयर टू सिनेमाटोग्राफी। नहीं, मैं कहना चाहता हूँ जो सेटअप लिया है इन्होंने, मास्टर बिल्कुल देना चाहिए। इसमें किरदार भी कर रहे हैं कुछ। यस सर, यस सर। मेरे हिसाब से मैं ज़्यादा ना बोलते हुए इतना ही कहूँगा कि जिस फिल्म में इतने बड़े एक्टर वर्सटाइल एक्टर मिस्टर रंजन श्रीवास्तव हैं, कैमरामैन ईश्वर बिद्री साहब हों, और राकेश रंजन जी ऑलरेडी बहुत एक्सपीरियंस आदमी हैं, उन्होंने बहुत डायरेक्शन में काम किया, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर भी हैं और भी कर चुके हैं पहले ये, तो इस तरह का जब सेटअप हो निश्चित रूप से ये फिल्म मेकिंग में जितना भी है वो सब सीरियसनेस है, गंभीरता है, कहीं ना कहीं ये फिल्म बनेगी, बन के रिलीज होगी और हिट होगी। और सब्जेक्ट एकदम अलग है इसका, रूटीन वर्क में ये फिल्म नहीं बनाई जा रही है। जिस तरह से अभी उदित नारायण जी गाना गाएंगे तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ये एकला सेटअप है, तो एकला सेटअप हमेशा यहाँ हिट ही रहता है। तो इसलिए मेरी पूरी उम्मीद है कि फिल्म सुपर हिट है, और पूरी शुभकामनाएँ मेरी इस फिल्म के साथ में, और मैं जैसा भी रोल मुझे राकेश जी देंगे मैं करूँगा। थैंक यू वेरी मच। तो फिल्म में एक बहुत बड़ी चीज़ ज़रूरत पड़ती है, आप सबकी दुआएं चाहिए। yes, yes, बिना दुआ yes, के फिल्म रिलीज होने के बाद yes, वो yes. बन जाएगी अच्छी, उसके बाद दुआओं की बड़ी सख्त जरूरत। यस यस। राकेश जी, किस प्रकार का अगर शूट की बात करें, कब किस प्रकार का क्या है, कुछ थोड़ा सा जानकारी दें, कब जा रहे हैं? सर, फर्स्ट और सेकंड वीक ऑफ अप्रैल मैंने और प्रभात जी हमारे प्रोड्यूसर, मेरे भाई समान भी हैं, प्रोड्यूसर भी हैं, तो हम लोग दो जिस एक जन जिसे कहते हैं वो हम लोग बन के इस काम को कर रहे हैं, एक साथ सोना खाना पीना प्लान करना रात के 4 बजे तक। बिल्कुल बिल्कुल। दो जिस एक जान जो पति पत्नी होता है ना, वो प्रोड्यूसर डायरेक्टर का रिश्ता होता है काम के प्रति। जो पति पत्नी घर चलने की रिश्ता बनता है ना, तो घर अच्छा चलता है उसका, तो प्रोड्यूसर डायरेक्टर का रिश्ता बनता है, तो फिल्म अच्छा बनता है, क्रिएशन अच्छा होता है, तो वो हमने रिश्ता हम लड़ते भी हैं, झगड़ते भी हैं। शूट के लिए भी सर हम इसको आउट नहीं करेंगे, क्योंकि हमारी बात झारखंड से और लखनऊ में दोनों जगह चल रही है, दोनों जगह फर्स्ट लेटर जा चुका है, हमें जहाँ से पहले मिल जाएगा वहाँ हम पहुँच जाएंगे। 30 जनवरी क्या है ये? 30 जनवरी एक बहुत ही सस्पेंस थ्रिलर फिल्म है, और यंगस्टर को ध्यान में रख के इस पिक्चर को बनाया जा रहा है जी। और ये पिक्चर मेरे ख्याल से सबको खुश करेगा जो इसका स्टोरी है, क्योंकि हम लोगों ने काफ़ी मेहनत किया है, मैंने और राकेश रंजन जी हमारे डायरेक्टर, और इस पिक्चर के राइटर भी यही हैं जी। और अभी इस सेटअप को तैयार करने के लिए हम लोग अभी 4 बजे तक जगे हैं, साथ सोना खाना जैसा कि उन्होंने बताया है। और चूंकि बॉम्बे में बहुत पहले से आ रहे हैं, 2005 से मैं बॉम्बे आ रहा हूँ, और चूंकि मेरा बिजनेस भी है तो मैं यहाँ भी करता हूँ और वहाँ भी देखता हूँ, तो ये सारा एक्सपीरियंस को बटोर कर इस पिक्चर को करने का हमने सोचा है, और आज इस मुकाम तक हम लोग पहुँचे हैं। तो ये आप डेब्यू कर रहे हैं इस फिल्म से? नहीं, 2 साल पहले मैंने एक पिक्चर करी है और जिसका नाम था लव शब प्यार का, और एक छोटा सा कैरेक्टर था उसमें, उसको मैंने किया, उसके बाद ये सेकेंड पिक्चर कर रहा हूँ। बाकी हमारे यहाँ फिल्मी दोस्त है, उनके साथ उठना बैठना और सेट पे जाना और उस एक्सपीरियंस को कवर करना, उस सबको आज मैं इस यहाँ पर भुना रहा हूँ और इस पिक्चर को करने जा रहा हूँ। मुख्य किरदार में वो आपको चैलेंज है, क्योंकि रंजन जी भी आपके अपोजिट में हैं,
मुख्य किरदार नहीं कह सकते क्योंकि ये पांच दोस्तों की कहानी है, तो वो पांच दोस्त में एक मैं मेरा भी कैरेक्टर है, बाकी अभी फाइनलाइज करेंगे हम लोग कि मेन लीड में कौन जाएंगे। खुश नसीब मानते हो अपने आप को रंजन जी के साथ? बहुत खुश नसीब मानता हूँ कि हमारे सर रंजन जी के साथ काम करने का मौका मिला, इससे बड़ा इससे बड़ी रंजन वर्सेस रंजन 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 तो एक तो हमारे बड़ी वरिष्ठ है और बुजुर्ग है, उनके उस नाते भी हमें इससे आशीर्वाद लेने का मौका मिल रहा है और इस पिक्चर में साथ काम करने का मौका मिल रहा है। और हमारे रमेश गोयल जी भी हैं जो हमारे प्रदेश में शूट करके आ भी चुके हैं, yes, और उनका भी आशीर्वाद और सहयोग ले रहे हैं, उनके साथ काम करने का मौका मिला। ये इस पिक्चर में हमारे साथ भी बहुत मुख्य भूमिका में काम कर रहे हैं। और हमारे ईश्वर बेदी साहब तो बहुत ही आप सबको लोगों को बताना नहीं पड़ेगा ये कितने वरिष्ठ है, काफ़ी पिक्चर उन्होंने किया है, बॉर्डर दामनी ऐसे नामी पहचान है कहना तो बिल्कुल, और हमारे लिए तो बहुत ही डायमंड है ये बहुत, ये हमारा सौभाग्य है कि इस पिक्चर में ये काम करने का, ये हम लोग का सौभाग्य कि काम करने का मौका हम लोग को मिल रहा है, इसके लिए मैं बहुत अपने आप को ये बहुत हम लोग के लिए आशीर्वाद और लकी है जी। थैंक यू ऊपर वाले भगवान उनको जन्नत बख्शे, लेकिन बहुत दुख की बात है, मैं ऐसे मौके पर बहुत ज़्यादा नहीं बोल सकता हूँ, दुख है बस, बहुत ज़्यादा दुख है। कमर हाजीपुरी जी, मैं पूरी टीम को बधाइयाँ देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। चलिए गुल्लू के सर आप क्या